प्राचीन समय में जब धूमकेतु दिखाई देता था तो लोग इसे देखकर डर जाते थे। जब भी धूमकेतु दिखाई देता तो उन्हें लगता कि यह एक ईश्वर का अभिशाप है जो कि इंसानों पर कहर बनके बरसेगा। धूमकेतु दिखाई देने की घटनाओं का जिक्र प्राचीन संस्कृति और धर्मों के द्वारा रखा गया है, लेकिन करीब 1400 BC की शुरुआत से चीन के लोगों ने दिखने वाले धूमकेतु की घटनाओं का सिलसिलेवार हिसाब रखना शुरू किया, जिसमें 3 पूंछ वाले धूमकेतु का मतलब था देश के लिए खतरा, जबकि 4 पूंछ वाले धूमकेतु का मतलब था महामारी आने वाली है। इंसान इस तरह की घटनाओं के घटित होने का पैटर्न पहचानने की जबरदस्त काबिलियत रखता है। वह उन चीजों में भी पैटर्न ढूंढ लेता है जिनमें पैटर्न होता तक नहीं है, और इस घटना को फॉल्स पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। जब तक कि वैज्ञानिक इस तरह की घटनाओं के घटित होने की सच्चाई का पूरा पता नहीं लगा लेते और इसे सच साबित नहीं करते, इंसान स्वयं के अनुसार कहानियां और काल्पनिक मिथ बनाते रहते हैं। जब 1664 में धूमकेतु दिखा तो इससे पूरा यूरोप डर गया, और उनका डर भी वाजिब था क्योंकि ठीक इसके बाद के समय यूरोप में प्लेग महामारी फैली और लंदन में जबरदस्त आग लगी। लेकिन उस समय एक ऐसा बच्चा भी था जिसे इससे डर नहीं लगा। जब उसे धूमकेतु दिखा तो उसके लिए यह एक शानदार नजारा था, और इस बच्चे का नाम था एडमंड हैली। और हैली को धूमकेतु से डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि वह भी नई खोज में दिलचस्पी रखता था। और आगे चलकर हैली एक एस्ट्रोनॉमर बना और बहुत सी नई खोजें की, और उनके द्वारा जो भी खोजें की गई वे आज भी हमारे लिए सटीक और काम की हैं। इन सभी खोजों में से एक खोज है धूमकेतु की, जो अचानक बिना संकेत के दिखाई देता है। आखिर धूमकेतु क्या है जो कि दिखने में खूबसूरत होता है? इसके लिए हैली ने सभी सबूतों और किताबों को खंगालना शुरू कर दिया और इसकी सच्चाई का पता लगाया। हैली ने पता लगाया कि सबसे पहले धूमकेतु देखने वाले व्यक्ति का नाम है नाइगोफोरस गिगोरस, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ एक भिक्षु भी थे, और यह जून 1337 की बात है। हैली ने 1472 1698 में यूरोप में दिखे सभी धूमकेतु की जानकारी इकट्ठा की, लेकिन हैली को साथ में यह भी पता लगाना था कि ये सभी धूमकेतु आसमान के किस रास्ते से आए थे। और हैली ने न्यूटन के सिद्धांतों और कैलकुलेशन की मदद से अपनी मैथमेटिक प्रतिभा दिखाते हुए यह हल निकाला कि धूमकेतु असल में सूर्य के चारों ओर एक लंबे एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है। और पहली बार हैली ने यह भी पता लगाया कि जो धूमकेतु 1531, 1607 और 1682 में दिखे थे वे वास्तव में अलग अलग नहीं बल्कि एक ही धूमकेतु था। और इस धूमकेतु के आने के समय अंतराल से यह पता चल गया कि यह धूमकेतु लगभग हर 76 साल में वापस आता है। और इसकी मदद से हैली ने वो किया जो पहले किसी एस्ट्रोनॉमर ने नहीं किया था, और वो है भविष्यवाणी। हैली ने यह तुक्का नहीं लगाया था बल्कि सटीक भविष्यवाणी की थी, और बताया कि धूमकेतु फिर 1758 के आखिरी में आसमान के खास रास्ते से खास हिस्से से आएगा। धूमकेतु हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल शांत अंतरिक्ष में तैरता बर्फ और पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर, क्योंकि सूर्य से लगभग 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर धूमकेतु बहुत ही शांति से रहते हैं, और यह दूरी इसकी ऑर्बिट की अंतिम दूरी है। यह धूमकेतु अपनी कक्षा के सबसे अंतिम छोर पर पहुंचने पर इसकी रफ्तार धीमी होती जाती है, जब तक कि सूर्य की ग्रेविटी से और अधिक दूर जाने से रोक नहीं लेता। फिर इसके बाद यह धूमकेतु सौरमंडल की तरफ अपना लंबा सफर तय करना शुरू कर देता है, और यह धूमकेतु बिना रुके सूर्य की तरफ सीधे गिरता है। जैसे धूमकेतु सूर्य के करीब आता जाता है, इसकी सूर्य की तरफ गिरने की रफ्तार बढ़ती जाती है। जब यह नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचता है तो नेपच्यून की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे इसका रास्ता थोड़ा बदल जाता है। फिर इसके बाद बृहस्पति की ताकतवर ग्रेविटी धूमकेतु को अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचता है और धूमकेतु का रास्ता बदल देता है। जब यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल के अंदर के हिस्से में पहुंचता है तो सूर्य की गर्मी इसे गर्म करना शुरू कर देती है, और इसमें एक बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। सूर्य की गर्मी से इसकी सतह की बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, और इसके अंदर मौजूद धूल और गैस बाहर निकलने लग जाती है, जिससे यह रूखा सूखा बर्फ का गोला चमकदार गोले यानी धूमकेतु में बदल जाता है। सूर्य के करीब पहुंचने पर यह तेजी से पिघलने लगता है, जिससे इसके साथ एक पूंछ भी दिखाई देती है जो सूर्य के अपोजिट साइड दिखाई देती है। धूमकेतु की पिघलती हुई परतें 4 अरब साल पहले धूमकेतु कैसे बना था यह बताती है। धूमकेतु कई बार नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सूर्य की तरफ गिरते हैं तो इनके रास्ते में कई बार ग्रह भी आ जाते हैं जिनसे टकरा कर ये नष्ट हो जाते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन में धूमकेतु जब सूर्य के पास आते हैं तो उनका कुछ हिस्सा बनकर उड़ जाता है। ऐसा हजारों बार होने पर धूमकेतु एक एस्ट्रॉइड में बदल जाता है। धूमकेतु की यह खोज मानव जाति का नजरिया बदलने वाली बड़ी खोजों में से एक है। सन 1742 में 85 साल की उम्र में एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली की मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी भविष्यवाणी सभी को याद थी। जब सन 1758 नजदीक आया तो सभी लोगों में धूमकेतु देखने की होड़ लग गई।
लेकिन किसी को भी निराश नहीं होना पड़ा। साल 1758 के अंत में धूमकेतु दिखाई दिया और मार्च 1759 को यह धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचा और इस धूमकेतु को एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली के सम्मान में हैली का धूमकेतु बुलाया जाता है। और हैली का धूमकेतु अंतिम बार 1986 को दिखाई दिया था और अगली बार फिर से यह 2061 में दिखाई देगा। लेकिन अब इंसान इससे डरता नहीं है क्योंकि एडमंड हैली की खोज से इंसान इसके बारे में जान गया है और इंसान अब इसे देखने की चाह रखता है। इंसान के 40,000 पीढ़ियों के दौरान लगभग 1,00,000 बार तो धूमकेतु दिखाई दिया होगा। लेकिन ये सारे धूमकेतु आते कहाँ से हैं? जानेंगे अगली वीडियो में। अगर हम जिंदा रहे तो साल 2061 का धूमकेतु हम जरूर देख पाएंगे। तो गाइस आप में से कोई है जिसने साल 1986 का धूमकेतु देखा है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।